यस हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, यू आर ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी अच्छी से दोस्तों? आवाज सब चंगा? कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हुआ बिंदास बताओ, बिंदास, टेंशन नहीं लेने का। यस हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। ड्राइंग इन्फ्लुएंस का टॉपिक कब से स्टार्ट करोगे? ड्राइंग इन्फ्लुएंस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब सारे वही चिल्लर टॉपिक बचे, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, ड्राइंग इन्फ्लुएंस, कॉज इफेक्ट। अब पहले क्लॉक पे फोकस करो। फाइन, आई एम फाइन गाइस, आप कैसे हो सब? यस थैंक यू पायल जैन, वॉइस क्लियर है ना? चलो गाइस बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हेडिंग देना क्लॉक। क्या होता है क्लॉक? ब्लड रिलेशन। यस सब टॉपिक हो जाएंगे अभी। अब जो ऑलमोस्ट टॉपिक बचे वो एक दिन, एक क्लॉक अगर छोड़ दो तो एक दिन का एक टॉपिक है, एक दिन का एक लेक्चर, इस तरह से दोस्तों, है ना? सो कोई टेंशन नहीं लेने का। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं है अभी तो? किसी ने कहा वॉइस क्लियर है? जस्ट अ सेकंड। अब बताओ, अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है? डबल ये तो है, अता अता डबल ये तो है, क्लियर है ना? चलो गाइस, क्लॉक का बेसिक सा नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्लॉक होता क्या है सर? क्लॉक ये होता है जिसपे हम टाइम देखते हैं। सर बिल्कुल सही, तो बुला दिया आपके सेंसर ने। क्लॉक मतलब दोस्तों बेशक आप वही चीज बोल रहे हो कैलेंडर जैसा था जिसपे आप डेट देखते थे, क्लॉक मतलब जिसपे आप टाइम देख रहे हो, लेकिन क्लॉक के अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो अब तक आपको शायद नहीं पता थी। जैसे कैलेंडर के अंदर आपको नहीं पता थी, अब कल से आप समझ गए होंगे, लेकिन अब क्लॉक के अंदर भी बहुत सी बातें जिन पे आपने तवज्जो नहीं दिया था अब तक, वो बातें अब आप देखोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, ठीक है? तो गाइज देखो, क्लॉक मतलब ये होता है, 12 घंटे की क्लॉक हम देखें और वहां पे 3 टाइप के हैंड्स होते हैं, बट अगेन हमें हैंड यहाँ पे कौन सा देखना है? आवर हैंड और मिनट हैंड। सेकंड हैंड से फिलहाल हमें मतलब नहीं, सेकंड हैंड को हम नहीं ज्यादा फोकस करेंगे, बट गाइज आपको आवर हैंड और मिनट हैंड के बारे में पूरी टर्मिनोलॉजी ए टू जेड सब पता होना जरूरी है। पता है, एक अगर मैं आवर हैंड की बात करूं तो आवर हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री, देखो सर्कल। अब आप बोलोगे सर हमारे घर पे जो वॉच है ना वो तो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो हेक्सागोनल शेप में है, वो स्क्वायर शेप में है, बट हम जिस क्लॉक की बात करेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, वो हमेशा सर्कुलर शेप में, वो हमेशा कौन सी शेप में होगी? सर्कुलर। जहाँ सर्कल सर्कल आया वहां पे क्या आया? एंगल आया। सर्कल आपको बताया ना जो कि 360 डिग्री का माना जाता है, तो जहाँ सर्कल आया वहां पे एंगल आया। तो पता है जब घड़ी का मिनट हैंड मतलब मिनट का काटा और आवर हैंड मतलब घंटे का काटा, तो मिनट हैंड जब 1 मिनट मूव होता है दोस्तों तो कितना डिग्री ऑक्यूपाई करता है बताएं? ना सोनू, ना गलत है, गलत है सोनू, हाफ डिग्री नहीं है। हाफ डिग्री आपने आंसर सही कहा है लेकिन गलत बंदे का आंसर कहा है। हाफ डिग्री आंसर मिनट हैंड का नहीं है। मिनट हैंड जब 1 मिनट है, सिंपल है ये तो आप बराबर से बोलोगे दोस्तों कि एक अगर सपोज मिनट हैंड यहां पर है, मिनट हैंड अभी 12 पे, तो 1 घंटे में वो पूरा रिवॉल्यूशन कर लेता है। मिनट हैंड आपको बताया ना 1 घंटे में पूरा घूम कर वापिस बैक टू द पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। मतलब आप मुझे बताओ अगर एंगल के हिसाब से मैं आपको पूछूं दोस्तों तो 60 मिनट, 1 घंटा मतलब कितने मिनट का होता है? सर बच्चा भी बता देगा 60 मिनट। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में उसने कितना डिग्री मूव किया, कितना डिग्री मूव किया? 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल हमेशा 360 डिग्री का होता है,
ये पता होता ही है, नहीं पता होगा तो अभी से याद रखो, एक सर्कल हमेशा कितने डिग्री का होता है, ये पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री वो मूव करता है, लेकिन कितने मिनट बाद, 60 मिनट बाद, जहां से उसने स्टार्ट किया वहां से घूम फिर के वापिस आया, यानी 360 डिग्री कवर किया आफ्टर 60 मिनट। तो मुझे बताओ दोस्तों, 1 मिनट में वो कितना कर लेगा, 1 मिनट में वो कितना कर लेगा, अगर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, पता है क्या करना है, ऐसे जगह आप हमेशा क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना, 60x = 360 डिग्री, तो x = 360/60, यानी कि कितना हुआ, 6 डिग्री, 6 डिग्री, करेक्ट संजना, बिल्कुल सही कहा, यस 6 डिग्री ना, फिर से गलत दे रहे आंसर, आधरी का श्रद्धा, 6 डिग्री द आंसर। सर अब ये हर बार करना होगा, नो नीड, अब आप इसको रूल याद रख लो, जैसे आपने याद रखा था कैलेंडर में कि हर ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, यहाँ पे भी अब इसको रूल बोलकर याद रख लो दोस्तों, कि 1 मिनट में दुनिया का कोई भी क्लॉक हो, 1 मिनट में उसका मिनट हैंड जो होता है, मिनट का काटा, वो 6 डिग्री में होगा। आफ्टर एवरी, मैंने कहा ना क्लॉक तो आप सबको पता है, लेकिन उसकी कुछ अंदरूनी बात है, वो हम अब देखने वाले। तो 1 मिनट में मिनट हैंड हमेशा 6 डिग्री मूव होता है दोस्तों, 6 डिग्री इन 1 मिनट, मिनट हैंड मूव ऑलवेज 6 डिग्री। छोटी छोटी बात है मगर काम की बात है, ठीक है। हम बात करेंगे सर आवर हैंड कितना मूव होता है 1 मिनट में, मिनट हैंड का तो मैं समझ गया कि 6 डिग्री, आवर हैंड कितना मूव होता है 1 मिनट में, दिस इज मिनट हैंड। अब बात अगर हम घंटे के काटे की करेंगे, आवर हैंड अगेन, पहले आप मुझे बताओ अगर ये क्लॉक है गाइस, तो आवर हैंड 1 घंटे में कहां से कहां तक मूव होता है, आवर हैंड 1 घंटे में कहां से कहां तक मूव होता है। फॉर एग्जांपल आवर हैंड अभी यहां था 12 पे, 1 घंटे के बाद कहां जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा, 1 घंटे के बाद वो मूव होके कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। मिनट हैंड पूरी प्रदक्षिणा करता है ना, पूरा 360 डिग्री, मतलब बस इतना हैंड पता है, हर पाना कितना गैप है, और थर्ड पता है 5 मिनट की घड़ी का एंगल कितना, यानी पूरे सर्कल का 360, और ये 360 डिग्री कितने पार्ट तोड़ा गया है, 12 पार्ट में, ये 12 टुकड़ों में तोड़ा है ना, यानी एक टुकड़े का एंगल 30 डिग्री, यानी हर 5 मिनट 30 डिग्री का एंगल, और ये तो सिंपल था ही ना यार, अभी हमने देखा था कि 1 मिनट मतलब 6 डिग्री, मिनट हैंड के अकॉर्डिंग आप देखो तो 1 मिनट मतलब 6 डिग्री, तो 5 मिनट मतलब कितना, 1 मिनट यानी 6, तो 5 मिनट यानी 5 × 6 30 डिग्री। बट मुझे अब ये बात आवर हैंड के हिसाब से देखनी है, तो गाइज आते फिर से उसी पॉइंट पे कि आवर हैंड ने 1 घंटे में कितना कवर कर लिया, 30 डिग्री, 1 घंटा मतलब फिर से कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में आवर हैंड यहां से बस यहां आया, यहां से बस यहां आया, यहां से यहां आया, मतलब कितना, 30 डिग्री उसने ऑक्यूपाई किया, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हाउ मच, 60 में 30 तो 1 में कितना, 60 में 30 तो 1 में, आप में से कई लोग सही बोल रहे हो, हाफ डिग्री, हाँ यार ये मत हो, ये क्यों होता है, क्लॉक क्लॉक जो अटक गई थी वो आ गई है, जो क्लॉक अटक गई थी वो आ गई है,
प्रसन्न ना, नो खत्म, नो टाटा, नो बाय बाय। अब ठीक है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार कवरेज आएगा, एक बार बताओ, मैं सब वापिस से बता दो। क्या स्क्रीन विजिबल हो गई है? बफरिंग बंद हुआ है? मैं फिर से हर चीज वापिस बता दो। यस, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। वही कंसेप्ट का स्टार्ट है, रिपीट करना ही पड़ेगा। चलो गाइस, ब्लॉक मतलब क्या होता है ध्यान देना। अब सब 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 दिखाई दे रहा है, एक्सीलेंट कनेक्शन दिख रहा है मुझे भी अभी सामने स्क्रीन पे। तो ध्यान देना, ब्लॉक यानी टोटल। अब मैंने कहा आपने दुनिया में कई डिजाइन की, कई अलग अलग तरह की क्लॉक देखी होगी, बट यहाँ पे क्लॉक एक ही होगी सर्कुलर, जिसमें टोटल एंगल हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। चलो ठीक है ना। सो क्लॉक में हमेशा टोटल एंगल होगा 360 डिग्री। और दोस्तों कोई भी क्लॉक 12 हिस्सों में ये होती है, ये होते हैं वो 12 टुकड़े किसी भी क्लॉक के। अगर आप ये वाला देखो तो ये कितना हुआ 90 डिग्री, बराबर। ये अगला 90 डिग्री, ये अगला 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हुआ। 90 मतलब ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए ना, 90 90 90 90। सो टोटल कुल मिला के 360 डिग्री। अब बात हमें करनी है कि एक मिनट में कितना डिग्री मूव होता है मिनट हैंड। और आपको पता है दोस्तों, अगर मिनट हैंड यहाँ पर है तो एक घंटे के बाद, बात में कर रहा हूँ एक घंटे की, यानी 60 मिनट के बाद वो फिर से यहाँ आ जाता है। यानी 60 मिनट में उसने पूरा कितना कवर कर लिया 360 डिग्री। तो गाइज अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करता है तो वो एक मिनट में कितना एंगल कवर करेगा? 60 मिनट में अगर 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना? 60 x 60 x 360 x 1 360, तो x = 360 / 60, आंसर इज 6 डिग्री। यस, यही बात मैंने अभी की थी। और ये एज अ रूल आप याद रख लो कि हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होता है। हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 बजे से लेकर 12:40 तक बताओ मिनट हैंड ने कितना डिग्री मूव कर लिया। 12 बजे से लेकर 12:40 तक मिनट हैंड ने कितना डिग्री मूव कर लिया? कहां से स्टार्ट हुआ? 12 बजे से कहां तक? 12:40 तक मिनट हैंड ने कितना डिग्री मूव कर लिया? ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको देखना होगा कि 12 बजे से लेकर 12:40 तक कितना मिनट का गैप है,
ये टोटल कितने मिनट होते हैं? 40 मिनट। ये टोटल कितना मिनट होता है? 40 मिनट। और अभी आपने सीखा कि एक मिनट में आपका जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री मूव होता है। एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होता है दोस्तों। तो 40 मिनट में कितना होगा? 40 × 6 240 डिग्री। 40 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, 240 डिग्री। ये छोटी छोटी बात है। अब देखो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं। बट अगर आपको पेन और पेपर भी अलाउड नहीं ना, तो ऐसे बोनस बोनस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आज चुके हैं तो बस इसके बेसिक से रूल आपको बता रही हूं, जिसमें सबसे पहला रूल की रखना मिनट में मिनट हैंड डिग्री में होता है। अब बात करते हैं आवर हैंड की। बात करेंगे हम आवर हैंड, सपोज ये बात के लिए एक बेस, ये दो, ये तीन, चार, ये पांच, छह, सात, थर्टी डिग्री। तो इसका मतलब हर 5 मिनट में कितना गैप होता है? हर 5 मिनट में 30 डिग्री का गैप होता है। बट दोस्तों ये 30 डिग्री का फासला तय करने के लिए आवर हैंड को कितना मूव होना पड़ता है? 60 मिनट। मुझे बताओ, आवर हैंड यहाँ था और 60 मिनट के बाद वो यहाँ आया। मुझे बताओ, अभी 12 बजे तो 1 कब बजेगा? अगर अभी 12 बजे तो 1 कब बजेगी? 60 मिनट के बाद। तो अवर हैंड पता है फासला कितने मिनट में तय करता है? 60 मिनट में तय करता है ये 30 डिग्री का फासला। मतलब 60 मिनट में अगर वो सिर्फ 30 डिग्री ऑक्यूपाई करता है, तो गाइज एक मिनट में वो कितना करेगा? एक मिनट में वो कितना करेगा? 60x = 30। सो x = 30/60, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री, हेलो एवरीवन, आ रही है आवाज? हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस?
सब बताओ ठीक से? अब भले आपको मैं दिखाई नहीं दूं लेकिन स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है, बताओ मुझे क्या स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? दे रही है। ऑडिबल है ना? अरे सभी देखिए मैं ध्यान देना, अब आपको भले ही मैं दिखाई नहीं दूं लेकिन स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है, बताओ अब ठीक है ना? चलो सो गाइस अब देखना, ध्यान देना, मिनट हैंड बताओ, समझ गए कि एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होती है, 6 डिग्री का, ठीक है? तो उसी तरह एक मिनट में आवर हैंड कितना मूव होगा अगर आपको वो देखना है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, ये रहा क्लॉक और आवर हैंड का हिसाब आपको पता ही है कि एक घंटे में वो कहाँ से कहाँ तक मूव होता है, एक घंटे में यानी पूरे 60 मिनट में, घंटा है 60 मिनट, सिर्फ 30 डिग्री मूव होता है क्योंकि हर दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का फासला है, 30 डिग्री का। सो गाइस अगर 60 मिनट में 30 डिग्री तो एक मिनट में कितना? फिर से वही 60 × x, ऐसे टाइम पे हमेशा क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आया हाफ डिग्री। पता है अब इसको दोनों को ऐसे रूल याद रख लो, पहला रूल क्या है कि इन एवरी 1 मिनट, फर्स्ट रूल इज व्हाट, इन एवरी, चाहे तो नोट कर लो, इन एवरी 1 मिनट मिनट हैंड रोटेट्स बाय 6 डिग्री एंड इन एवरी 1 मिनट आवर हैंड रोटेट्स बाय हाफ डिग्री। छोटी छोटी बात है लेकिन काम की बात है, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे और कैसे कैसे आपको काम आएगा दोस्तों, आगे समझेगा सब चीजें, आगे आपको सब चीजें समझेगा, ठीक है? तो इन एवरी 1 मिनट मिनट हैंड रोटेट बाय 6 डिग्री एंड इन एवरी 1 मिनट आवर हैंड रोटेट बाय हाफ डिग्री, ठीक है? क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है? जस्ट अ सेकंड, वॉइस भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है दोस्तों? अब क्लियर है वॉइस? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैं ले रहा है इसे, अभी भी हो रहा है? चलो एक छोटे छोटे एग्जांपल दे दो, मुझे इसका आंसर बताना। 2 PM से लेकर 2:15 PM तक मिनट हैंड ने कितना डिग्री मूव किया? 2 PM से लेकर 2:15 PM तक मिनट हैंड ने कितना मूव किया बताओ? 2 बजे से लेकर 2:15 तक मिनट हैंड ने कितना मूव किया?
बस 2 रूल आपको याद रखना है यहाँ पे कि इन एवरी 1 मिनट मिनट हैंड जो मूव होता है ना वो हमेशा 6 डिग्री। इससे पता है क्लॉक की तरफ देखते रहो लगातार देखते रहो, आपको मिनट हैंड की मूवमेंट नोटिस होगी, आप मिनट हैंड को देख पाओगे कि यार वो देखो कुछ हल्का सा ऐसे बहुत देर बाद देखोगे तो ऑफकोर्स मिनट हैंड की क्या आवर हैंड की भी मूवमेंट आपको देखेगी, लेकिन अगर आप किसी क्लॉक को लगातार देखते रहो ना सेकंड हैंड तो हमें कंटिन्यूस मूव होते हुए दिखता है, मिनट हैंड को भी लगातार देखते रहो उसकी मूवमेंट आपको नोटिस होगी जो 6 डिग्री से मूव होता है जो कि अच्छा खासा सिग्निफिकेंट है, लेकिन आवर हैंड की मूवमेंट आपको नोटिस होगी ही नहीं क्योंकि वो हर 1 मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री से मूव होता है, सिर्फ हाफ डिग्री से। क्लियर? तो गाइस अब मुझे बताओ 2 बजे से लेकर 2:15 तक मिनट हैंड कितना मूव हो गया? सो मिनट हैंड मूव हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल सही का है। आपको बस देखना है कि इनके बीच में कितना मिनट का फासला है, आपको देखना है इनके बीच में मिनट का फासला है 15 मिनट का, और रूल के हिसाब से हर 1 मिनट में मिनट हैंड मूव होता है 6 डिग्री। क्वेश्चन में किसका कर रहा हूँ? मिनट हैंड का। तो हर 1 मिनट में मिनट हैंड मूव होता है 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 मिनट इंटू 6 डिग्री यानी 90 डिग्री। और मुझे बताओ दोस्तों आवर हैंड 90 डिग्री मिनट हैंड का बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जिन्होंने भी कहा 90 डिग्री वो बिल्कुल सही है। मुझे बताओ आवर हैंड कितना मूव होगा? आवर हैंड कितना मूव होगा? हर 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव होगा? हर 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव होगा बताओ जल्दी। हर 1 मिनट में आवर हैंड मूव होता है हाफ डिग्री, तो 2 बजे से लेकर 2:15 तो कितना मूव होगा? 2 बजे से लेकर 2:00 बिल्कुल सही कहा पंडे राज, पंडे राज ने बिल्कुल सही आंसर कहा है, बिल्कुल सही कहा है विशु। यस आयुष करेक्ट है बिल्कुल। सिंपल है, आपको बस देखना है कि जो भी आपको गैप दिया गया है क्वेश्चन ऐसे आने वाले एग्जाम में जो भी आपको गैप दिया गया है उनमें कितना मिनट का गैप है। तो यार बच्चा भी बता देगा 2 बजे से लेकर 2:15 तक, तो 2 से लेकर 2:15 कितना होता है? 15 मिनट। और अगर आपको बोला है कि इस पीरियड में यानी इस 15 मिनट में मिनट हैंड कितना हुआ है, तो आपको पता है कि मिनट हैंड का बस ये 2 रूल याद कर लो, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना होता है 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितना होगा 90 डिग्री, एंड आवर हैंड 1 मिनट में कितना होता है हाफ डिग्री, तो ये 15 मिनट में कितना होगा 15 × 1/2 यानी 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बिल्कुल सही जवाब 7.5 इसका आया, 7.5 इसका भी आया, शानदार सुपर। अब मुझे बताओ 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आवर हैंड ने कितना एंगल मूव किया? फ्रॉम 3 PM टू 7 PM आवर हैंड ने कितना एंगल मूव किया? छोटी छोटी बात है तो एंगल को बहुत समझ जाओ, एंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट का 90% फोकस एंगल पे बाकी है, लेकिन जब तक पेपर अलाउड नहीं है तो क्वेश्चन एंगल की आपको एक इमेजिनरी क्लॉक बनाओ, अपने क्लॉक बनाओ अपने मन में, ये 12 ये 2 ये 3 ये 4 4 5 6 और 7, मतलब मान लो पहले आवर हैंड कहा था 3 बजे पर वो अब कहा गया है 7 बजे, बताओ ये कितना एंगल उसने ऑक्यूपाई किया, कितना एंगल उसने ऑक्यूपाई किया?
120 डिग्री, सुपर, करेक्ट है, 120 डिग्री इज द आंसर, 120 डिग्री इज द आंसर गाइस, एकदम करेक्ट। क्योंकि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि हर दो अंकों के बीच में कितना गैप होता है, 30 डिग्री, हर दो अंकों के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, काउंट कर लो, काउंट कर लो, कितना हुआ ये 30, 30 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 30, 5 से 6 के बीच में 30 और 6 से 7 के बीच में 30, सो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 120 इज द राइट आंसर गाइस, 120 इज द राइट आंसर। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, देखो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फोकस करो मैं जो बोल रहा हूँ। अभी तो मैं कुछ नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आज थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ दो कंसेप्ट बताया है, और वो दो कंसेप्ट एज अ रूल की तरह आप याद रखो कि हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री से मूव होता है। आई रिपीट, हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री से मूव होता है और आवर हैंड हाफ डिग्री से मूव होता है, हर एक मिनट में। बस ये दो रूल याद रखो, उनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। कोई पैनिक मत हो कि सर बफर हो रहा है, सर ये हो रहा है, हमें नहीं समझ रहा है। अरे नहीं समझ रहे क्योंकि आपने माइंड सेट कर रखा है। दो बातें तो मैं कब से बोल चुका हूँ और दो बातों पर आपको कब से क्लैरिटी आ गई है, और इसलिए आप में से ही आधे लोग है जो आंसर दिए जा रहे हैं, आधे लोग उन्हीं बातों पर अटके हैं, एक दूसरे में चैट करने में इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो वो अपनी चलने दो, जो भी चला कर रहे हो, लेकिन मेन फोकस करो इन बातों पे कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उन एग्जांपल से समझो। हर दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है दोस्तों, सो 3 से 4 के बीच में 30, 4 से 5 के बीच में 30, 5 से 6 के बीच में 30 और 6 से 7 के बीच में 30। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कितना एंगल है, तो ये एंगल कितना हुआ 30 30 30 34 टाइम्स, यानी 120 डिग्री इज द आंसर, करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, चलो तो गाइज अब मुझे बताओ, 2:12 से लेकर 2:28 तक मिनट हैंड कितना मूव हुआ, 2:12 से लेकर 2:28 तक मिनट हैंड कितना मूव हुआ, दो बज के बारह मिनट से लेकर 2:28 तक मिनट हैंड कितना मूव हुआ। समझ रहे हो, 2:12 क्वेश्चन ने आपको दे दिया है, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने क्लियर कहा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बस इन दोनों स्लॉट के बीच का मिनट कितना है वो निकालना है, इन दोनों स्लॉट के बीच में मिनट कितना है वो निकालो, 2:12 से लेकर 2:28 तक, कम ऑन, 2:12 से लेकर 2:28 तक, इस पूरे पीरियड में टोटल मिनट कितना होता है, कितने मिनट का फासला है, 16 मिनट का फासला है, 2:12 से लेकर 2:28 तक 16 मिनट का फासला है दोस्तों। और आपको बता है कि हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव होता है, तो 16 मिनट में कितना मूव होगा, 16 × 6, परफेक्ट, 96, सुपर यार, वेरी गुड गाइस, 96 जो आंसर दे रहे हो परफेक्ट है, लगे रहो लगे रहो, 96 डिग्री इज द राइट आंसर, परफेक्ट है। और उसी तरह अगर मैं आवर हैंड का बोलूं तो, चलो इसी क्वेश्चन में 2:12 से लेकर 2:28 तक, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 2:12 से लेकर 2:28 तक आवर हैंड कितना मूव होगा, कम ऑन, 2:12 से लेकर 2:28 तक आवर हैंड कितना मूव होगा। मैं आज कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, सो डोंट बी पैनिक, बफर है होने दो, मैंने सिर्फ दो बातें कही है, मैं उसी की प्रैक्टिस ले रहा हूँ, सो डोंट बी पैनिक, एटलीस्ट अपना सिर्फ कान भी संभाल के रखो ना, आंखें को बंद करो, कान को संभाल के रखो कि मैंने क्या बोल रहा हूँ, बस उतना सुनो, स्क्रीन को देखो तक मत, बस सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, और उस हिसाब से मुझे आंसर निकाल के बताओ, करने वाला कोई भी सिचुएशन में कर लेता है। एक्सक्यूज देने वाला जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रहता है, नींद लेनी है नींद लो, कोई स्पेशल इनविटेशन नहीं गया है आपको,
करियर से कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हो तो पूरा अटेंटिव रहो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो यस वेरी गुड सुपर। अगेन आपको पता है 16 मिनट, आपको पता है टोटल फासला है तो आवर हैंड का कितना होगा, हाफ डिग्री 1 मिनट का इंटू 16, 8 डिग्री इज द आंसर। सुपर गाइस, छा गए, शानदार, 8 डिग्री इज द आंसर, नाइस। आवर हैंड कैसे लिखना निकालना सर समझा नहीं। प्रसन्ना जैसे आप मिनट हैंड कैसे निकाल रहे हो, प्रसन्ना मिनट हैंड कैसे निकाल रहे हो आप, जितना भी मिनट का फासला आया उसको आप सिर्फ 6 डिग्री से मूव कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, जितने भी मिनट का फासला आया उसको बस आप 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर मिल रहा है। तो प्रसन्ना आवर हैंड के लिए जितना भी मिनट का फासला है उसको हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करो, खत्म। हाफ डिग्री, जैसे कि यहाँ 16 मिनट है तो 16 मिनट को हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 8 मिनट, सॉरी 8 डिग्री। प्रसन्ना क्लियर है अभी, क्योंकि हमने दो रूल वही लिखा है कि इन एवरी 1 मिनट मिनट हैंड मूव्स या रोटेट्स बाय 6 डिग्री एंड इन एवरी 1 मिनट आवर हैंड रोटेट्स बाय हाफ डिग्री। क्यों हाफ डिग्री मैंने ये भी बताया, क्योंकि 1 घंटे में मिनट हैंड यहाँ से आवर हैंड यहाँ से यहाँ आता है, 1 घंटे में आवर हैंड 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आता है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ कितना एंगल ऑक्यूपाई करता है, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री यानी 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, देखो यार 60 का हाफ हो रहा है ना, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री। क्लियर है प्रसन्ना, मिनट हैंड के लिए प्रश्न आप जो कर रहे हो 6 कर रहे हो आप, बस आवर हैंड के लिए 1/2 करो, दैट्स इट, दैट्स। अब मुझे बताओ तो 1 बजे मिनट हैंड के लिए प्रश्न 10 मिनट से लेकर, बहुत अच्छे से आंसर देना, 3 बजे के 30 मिनट तक बताओ आवर हैंड कितना, 1 बजे आवर हैंड कितना रोटेट होगा, कितना रोटेट होगा, सर ये 6 और 1/2 का लॉजिक फिर से बता दीजिए। यस बिल्कुल बता दूंगा, आज नहीं बताऊंगा लेकिन कल बताऊंगा, आज थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो मैं कल ये लॉजिक फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी, इजंट पचोरी, डोंट वरी, ये पूरा लॉजिक मैं फिर से रिपीट करूंगा कल। आज एज अ रूल याद रख लो, कल मैं आपको कंसेप्चुअली दिमाग में फिट करवा दूंगा, आज बस एज अ रूल याद रख लो, कल कंसेप्चुअली दिमाग में हम फिट कर लेंगे। बोलो जल्दी, एक बज के 10 मिनट से लेकर 3 बज के 30 मिनट तक कितना आवर हैंड कितना एंगल रोटेट होगा, नंदिनी, नंदिनी बोल रही सर पता कैसे चलेगा कि हाफ डिग्री से कब करना है। अरे नंदिनी जब आपको आवर हैंड का बोलेंगे ना तो हमेशा हाफ डिग्री से करना है, और जब मिनट हैंड का बोलेंगे तो हमेशा 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा ना ये पूरा कंसेप्ट मैं आपके कल पोपड़ी में डाल दूंगा, कल पूरी तरह कंसेप्चुअली आपको मैं वो समझा दूंगा, आज जस्ट नेटवर्क हमारे साथ नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस ले रहा हूँ, दैट्स इट, इसलिए आज बस प्रैक्टिस ले रहा हूँ, लेकिन कल पूरा कंसेप्चुअली मैं आपको ये दिमाग में डाल दूंगा कि क्यों हम आवर हैंड से हाफ डिग्री से ही मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों हम मिनट हैंड के टाइम 6 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंदिनी तो टेंशन नहीं, जब भी आवर हैंड का एंगल पूछेगा हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करो, टोटल मिनट निकालो कि हमें जो स्लॉट दिया गया है उस स्लॉट में टोटल कितना मिनट आ रहा है, टोटल मिनट निकालो और उसको हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करो, ठीक है नंदिनी, जब आवर हैंड का एंगल पूछा जाएगा, और जब मिनट हैंड का एंगल पूछा जाएगा तो टोटल मिनट निकालो और उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। हर कोई बोल रहा है सर 70 डिग्री, 70 डिग्री, परफेक्ट, अरे बिल्कुल सही। मुझे बताओ यार वो 1 बजे से लेकर, ध्यान देना, 1 बज के 10 मिनट से लेकर 3 बज के 30 मिनट तक पूछा था,
अगर मैं इसका बाइफर्केशन करूं, 1:10 से लेकर 2:10 तक कितना हुआ, 60 मिनट। 2:10 से लेकर 3:10 तक कितना हुआ, फर्दर 60 मिनट। एंड 3:10 से लेकर 3:30 तक कितना हुआ, 20 मिनट। मतलब मुझे बता दो गाइस, 1:10 से लेकर 3:30 तक टोटल कितना एंगल हुआ, 60 + 60 + 20, यानी टोटल 140 मिनट। और अभी मैंने कहा है कि बस एक बार आपको क्या निकालना है, टोटल मिनट निकाल लेना है कि इस पूरे गैप में कितना मिनट है, और उस मिनट को टोटल कितना मिनट है, 140 मिनट, और उस मिनट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ डिग्री से। जब भी आवर हैंड का एंगल पूछा जाएगा, सिर्फ हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई करो इस टोटल मिनट को। सो 1:10 से लेकर 3:30 तक टोटल टाइम होता है 140 मिनट। और 140 मिनट को अगर आपको, इस 140 मिनट में आवर हैंड कितना मूव हुआ, ये एंगल निकालना है, तो 140, बस क्या करो, 140 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 70 डिग्री द आंसर। 70 डिग्री इज द आंसर, चमका कि नहीं चमका। क्लियर है? चलो अब बताओ, 7:50 से लेके 11:48 तक, 7:50 से लेकर 11:48 तक आवर हैंड ने कितना मूव किया, कमऑन। 7:50 से लेकर 11:48 तक आवर हैंड ने कितना मूव किया, बस जितना भी उसमें टोटल, क्लॉक का बनाने का कोई रोल ही नहीं है, क्लॉक क्यों बना रहे हो, क्लॉक के बनाने वाले क्वेश्चन अलग है नंदिनी। अभी फिलहाल जो मैं वैरायटी ले रहा हूँ ना, मतलब वो कोई वैरायटी भी नहीं, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें कोई क्लॉक का बनाने का रोल ही नहीं। मैं कहा आपको हर क्वेश्चन में क्लॉक बना के दिखा रहा हूँ, नहीं क्लॉक बना ही नहीं रहा हूँ मैं आपको। चलो बताओ, 7:50 से लेकर 11:48 आवर हैंड कितना डिग्री मूव होगा, आवर हैंड कितना डिग्री मूव होगा, ये निकालने के लिए पहले आपको देखना होगा कि इन दोनों के बीच में कितना फासला है। 119, काफी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, कोई बोल रहा है 129, कोई बोल रहा है 119, कोई बोल रहा है 99.5। चेक करते हैं अगेन, 7:50 से लेकर 8:50 तक 60 मिनट, 8:50 से लेकर 9:50 तक फर्दर 60 मिनट, अगेन 9:50 से लेकर 10:50 तक फर्दर 60 मिनट, एंड 10:50 से लेके 11:48 तक। मुझे बताओ, 11:48 है, 50 नहीं है, अगर पूरे 11:50 होते तो 60 मिनट होते, लेकिन 50 को दो कम, तो 60 को दो कम, यानी 58 मिनट। तो गाइस ये एडिशन कितनी हो गई, 60 + 60 + 60 + 58, कितना हुआ, 238। 60 + 60 + 60 + 58, ये हुआ 238 मिनट। मतलब पता है, 7:50 से लेकर 11:48 तक 238 मिनट होते हैं, लेकिन आपको एंगल पूछा गया है आवर हैंड का, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 119। तो आप में से जिन जिन स्टूडेंट ने 119 आंसर दिया था, छाग, जिन जिन स्टूडेंट ने 119 आंसर दिया था दोस्तों, वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, छाग। ठीक है, तो गाइस डोंट, मैं फिर से आपको यही एश्योरिटी दूंगा, डोंट बी पैनिक, ये पूरा टॉपिक आपके जहन में उतार दूंगा पूरी शिद्दत से, एकदम कंसेप्चुअली, थोड़ा पैनिक मत हो, जो भी आज कंसेप्ट हुए हैं, आज आपने बस वो रूल याद रखा है कि हर एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री से मूव होता है, और हर एक मिनट में आवर हैंड
हाफ डिग्री से मूव होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो मैंने बताया स्टार्टिंग में, लेकिन बफरिंग की वजह से अगर आपको नहीं भी समझाया तो कल मैं वहां से ही स्टार्ट करूंगा और फिर आगे की बातें करूंगा। इस चैप्टर का जो इकलौता फॉर्मूला है, इस चैप्टर का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो फॉर्मूला, उसकी बात हम कल करेंगे। लेकिन कल मैं आपको पहले पूरी बेसिक बता दूंगा, ठीक है गाइस? तो कल हम मिलते हैं फिर से, होपफुली विथ वेरी गुड नेटवर्क। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। 190 इज द आंसर।